अभी हम लोगों ने श्रवण किया गुरु जी का, कितना सुंदर भाव और निरंतर रूपानुग होने में और राधा जी की किंकरी बनने में रागमयी भक्ति का वर्णन करने में रस कथा के वर्णन करने में जो सिद्ध है श्री गीत गोविंदम की भूमिका में गुरु जी ने अपने भाव को व्यक्त कर दिया, जिसमें गुरु जी कहते हैं, लिखते हैं कि राधा जी विरहिणी उन्मादिनी है, एकांत में निकुंज वन में या वृंदावन के किसी कुंज प्रदेश में बैठी हुई, तो वहां कोई भी नहीं है। श्याम सुंदर तो मथुरा और मथुरा से द्वारका निकल गए, तो राधा जी विरहिणी उन्मादिनी है, कोई भी वहां नहीं है। एक सखी वहां जाकर के बैठ गई चरणों के पास और बड़े मीठी मीठी बातों में उनके हृदय के हृदय मिला, हृदय से हृदय मिलाकर, भाव से भाव को मिलाकर बड़े पैथेटिक मूड में विरह संवेदना को व्यक्त करती हुई राधा जी को सांत्वना दे रही है, उनको खुश बना रही है। वो जो बैठी हुई है राधा जी के साथ बात कर रही है, वो कौन है? कि गुरु जी स्वयं है। उन्होंने लिखा, आज उनकी अपनी लिखी हुई बात उन्हीं में ही करता है, जब उन्होंने अपने भाव को व्यक्त किया। इस प्रकार श्री राधा जी के निजगण आज गुरु जी के विषय में हम लोग अभी हमारे मध्य में उपस्थित परम पूजनीय श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी और हमारे श्री रसानंद प्रभु, जो कि हमेशा रस की वर्षा करते हैं और गुरु जी के मुंह लगे हुए और देख करके, जिनको देख करके आनंद में विभोर हो जाते हैं, तो ऐसे हमारे श्री श्रीधर महाराज जी हैं। तो वे हमें कुछ सुनाएंगे गुरु जी की पुष्पांजलि। ओम ज्ञानतिमिरां दश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुर्भस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नामयं विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण इति नामिने श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पादाष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पादाष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील अच्युतलाल भट्ट गोस्वामी जी, श्रील
अनन्य सन्निपादगण वैष्णव वैष्णवी सभी के चरण में मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। अभी तक हम लोगों ने श्रीला गुरु जी की महिमा को विभिन्न भक्तों को मुखार बिंद से विभिन्न दृष्टिकोण से उनकी महिमा को हम लोग श्रवण कर रहे थे। जैसे हरि अनंता हरि कथा अनंत है, उसी तरह एक शुद्ध भक्त का जो जीवन भी उसका हर जो पल है वो संपूर्ण शिक्षा हम लोग होता है। इसलिए आप लोग ने श्रवण कर रहे थे महाराज जी की महिमा को हर दृष्टिकोण से, कैसे उनको महिमा की कितने महिमा उनकी है। यदि ये महापुरुष श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जैसे 26 साल उम्र में उन्होंने सारे माया ममता मोह को त्याग करके श्रीमान महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया, उसी तरह श्री महाराज भी यदि 26 साल उम्र में उन्होंने जो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेदमान मतपुमान, कहते जो चार चीज है जिसको पास में ये चार चीज, कहते उनको भगवत भक्ति करना बहुत कठिन है। चार चीज नहीं, कुंती कहती हैं जिसको अंदर में केवल एक ही गुण हो वो भगवान का भक्ति सहज में नहीं करता है। लेकिन महाराज जी को अंदर में देखा जाए तो कहते ये चार गुण उनका अंदर में परिपूर्ण रूप में था। कहते जन्म, कहते निकाल जन्म कौन सा कुल में हुआ है, कहते तिवारी, कहते सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वंश में ये महापुरुष का जन्म हुआ है। कहते ऐश्वर्य, अब लोगों को पता है इन्होंने साधारण घर में जन्म ग्रहण नहीं किया, उसी समय वो पुलिस अफिसर थे। ये पुलिस अफिसर, आपको पता है पुलिस पोस्ट में अगर किसको मिल जाए पैसा, किसे पानी जैसे पार घर में पैसा आती है, और पुलिस अफिसर थे ये, इसलिए इनको पास में जो ऐश्वर्य जो पैसा की भी इनको पास में कोई कमी नहीं था। श्रुत, श्रुत मतलब ज्ञान है, ये लिखे बड़े में कोई कम नहीं थे, बहुत अच्छे लिखे बड़े थे, तभी इनको इतना अच्छा पोस्ट मिला था। इसलिए जन्म ऐश्वर्य श्रुत, अब लोग अभी धीरे धीरे हम श्रवण करेंगे उनको ज्ञान की गरिमा कितना उनके अंदर में ज्ञान है, इसलिए कैसे उन्होंने इसे ग्रंथ आदि कैसे प्रकाश किया हम बाद में इसको श्रवण करेंगे। इसलिए जन्म ऐश्वर्य जो श्रुत कहते श्री, श्री मतलब सुंदरता। अब महाराज को देख लीजिए, जब मैं सर्वप्रथम मंदिर में आया जगन्नाथपुरी से, महाराज को देख कर मेरे को लगा ये तो कोई अंग्रेजी है। ये था ठंडा का समय, ठंडा का समय में महाराज की जो गाल है एप्पल जैसे एकदम लाल लाल दिख रहा था, इसलिए महाराज जी को आंख देख दो उनको आंख भी नील आंख है। इसलिए ये विदेशियों का ये नील आंख, मेरे कोई पूछ रहा था कल परसों, कहते जो नील आंख है गुरु जी की ये तो विदेश करके अंग्रेजियों को होता है, लेकिन महाराज का नील आंख कैसे हो गया। इसलिए मतलब है ये अंग्रेजी का वही गुरु बन गए कभी, और इसलिए उनका अंदर में चेहरा को देखो महाराज जी देखने में कितने सुंदर महाराज जी। इसलिए जो कुंती कहती है हे प्रभु जिसको अंदर में ये चार गुण है वो व्यक्ति कभी आपको भजन नहीं कर सकता है, एक गुण अगर रहे वो भजन नहीं कर सकता है, लेकिन ये महापुरुष के अंदर में ये चार गुण परिपूर्ण रूप में ये चार गुण का अंदर में विद्यमान था। लेकिन ये सब कुछ रहते हुए भी श्रीमान महाप्रभु जैसे आज का दिन महाप्रभु का आज का दिन महाप्रभु का संन्यास का दिवस है, इसलिए आज हम महाराज की तिथि आज पालन कर रहे हैं। महाराज ने सारे, अब लोगों को पता है उनका पत्नी कभी यहाँ पर आई थी, हमने देखा इतने गोरी जैसे अंग्रेजी गोरी है, इतने गोरी उनको पत्नी थी, और तीन तीन छोटे छोटे बच्चों को उसी अवस्था में छोड़ करके, हम भारतीयों को पता है जिनको बच्चों के प्रति कितने माया ममता मोह कितना होता है, ये हमारे भारतीयों को पता है। स्त्री अगर सुंदरी हो, अच्छा पोस्ट में किसका नौकरी हो, अच्छे वंश में किसका जन्म ग्रहण हो, और उसी स्थिति में कोई सब कुछ छोड़ करके माया ममता मोह को और भगवान की भक्ति में आए, कहते ये कोई साधारण बात नहीं,
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे किसी अवस्था में महाप्रभु सन्यास लिया, कोई कोई कहते हैं ना हम कैसे भगवान की भक्ति करेंगे, हमारा बीबी है, बच्चे है, पिता माता दुनियादारी। महाप्रभु स्वयं शिक्षा दिया, महाप्रभु किसी स्थिति में सन्यास लिया, महाप्रभु ने पहले विश्वंभर विश्वरूप पहले सन्यास ले लिया बड़े भाई, उसको बाद में पिताजी जगन्नाथ मिश्र भी शरीर छोड़ चुके हैं, उसको बाद में घर में एक वृद्ध माता है बुढ़ी, और पत्नी विष्णुप्रिया जैसे सुंदर स्त्री, शायद 15-16 साल की स्त्री, इसी स्थिति में महाप्रभु सब कुछ छोड़ करके जहां पर निर्दया घात में निर्दय बन करके गंगा में छलांग लगा कर काटुआ में महाप्रभु सन्यासी ग्रहण करते हैं, शिक्षा देते हैं। यद्यपि हमारे बहुत कुछ जीवन में कर्तव्य है, जीवन में बहुत कुछ कर्तव्य है, लेकिन जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है अभी जो बता रहे थे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, भजन करना, ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। इसलिए महाराज का जीवन में, महाप्रभु का चरित्र में, महाराज जी का जीवन भी कुछ उसको साथ में मिलता जुलता रहता है, महाराज जी का जीवन ही है। और उन्होंने मंदिर में आकर के उन्होंने एकनिष्ठा जो गुरु जी को उन्होंने जो सेवा की है, आप लोगों ने सुने होंगे महाराज जी स्वयं कह रहे थे, बोले मेरे अंदर में क्या कुछ गुण है, उनका धन्यता यद्यपि मेरे अंदर में तो कुछ भी गुण नहीं है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी मेरे चरण में जो लौट रहे हैं, संपूर्ण पृथ्वी जो मेरे चरण में पूजा कर रहे हैं, क्यों? महाराज जी बारंबार कहते थे केवल मेरे अंदर में जो गुरु जी की जो निष्ठा है, एक गुरु के प्रति जिसकी निष्ठा है, जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्य कथिता झरता प्रकाशंत महात्मन। इसलिए उसके हृदय में सारे सिद्धांत तत्व दर्शन उसको हृदय में ही प्रकाश होता है, जितने भगवान में जैसे उनको निष्ठा है वैसे अगर श्री गुरु जी के चरण में अगर वैसे निष्ठा अगर किसको हो, इसलिए इनके अंदर में विशेष करके गुरु निष्ठा थी। अभी सविता दीदी बता रही थी कैसे उन्होंने अनंग मोहन की सेवा की, और उन्होंने जब सन्यास लेते समय श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उन्होंने एक साथ में तीन व्यक्ति को सन्यास देना चाहते थे, श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज और हमारे श्री महाराज जी को, लेकिन पावन गोस्वामी महाराज त्रिविक्र गोस्वामी महाराज बोले सन्यासी, हम कोई सन्यास लेने का योग्य है, हमारे अंदर में कोई गुण है, हम लोगों ने देखा सन्यासी कैसे श्री श्रीधर महाराज, कैसे श्री बन गोस्वामी महाराज, हमने देखा श्री तीर्थ महाराज सिद्धांत, इनको देखा क्या सन्यासी के अंदर में क्या क्या गुण होनी चाहिए, आदर्श रूप में सन्यासी का हम लोगों ने जीवन देखा ही, सन्यासियों को हम कोई सन्यास लेने का योग्य है, हम सन्यास में ना से कोई नहीं लेंगे, हम सन्यास नहीं लेंगे, हमारा कोई अधिकार नहीं। लेकिन जब श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब हमारे महाराज जी को पूछा, तो महाराज जी देखो गुरु जी के चरण में ये कितने शरणागति है, तो महाराज जी कहते हैं, कहते गुरुदेव मैंने स्त्री को प्रति जो मेरा प्रेम, माता का प्रति जो मेरी ममता, बच्चों का प्रति मेरे जो स्नेह, संसार का प्रति मेरा जो प्यार था, ये सबके सब मैंने आपका श्री चरण में मैंने समर्पण कर दिया है। आप अगर मेरे को नंगे रखना चाहते हो उसी में भी मैं खुश रहूंगा, अगर मेरे को लाल कपड़ा पहनाना करके हाँ अगर मेरे को सन्यास देना चाहते उसी में भी राजी है, इसलिए अगर मेरे को कुछ भी नहीं सफेद कपड़ा कुछ भी करो, आपका चरण में मैंने संपूर्ण रूप में आपका चरण में शरणागति हूँ, इसलिए आप जैसे इच्छा मेरे करो। देखो गुरु जी के चरण में इनकी कितने निष्ठा और कितने भावना गुरु जी के चरण में इनकी थी, इसलिए संपूर्ण जीवन दे करके उन्होंने अपना गुरु सेवा किया है। इसलिए महाराज जी के अंदर में कुछ कुछ वैशिष्ट है, अभी तो भक्त लोगों ने बोल दिया, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत गुरु जी के अंदर में जो वैशिष्ट था को उसको वर्णना करने के लिए। कहते गुरु जी के अंदर में कहते विशेष वैशिष्ट है, श्री महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विवरणा, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है, पृथ्वी में जितने नगर ग्राम है एक दिन ऐसे आएगा सुखी हया लोक मोर गाइवे के कृति, संपूर्ण विश्व एक बार कृष्ण प्रेम में उन्माद हो करके, और श्री भक्ति विनोद ठाकुर का जो भविष्यवाणी था एक दिन काले और गोरे लोग
एकत्रित होकर के निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल, ये सब के सब एक साथ में हरि कीर्तन करेंगे। ये महाप्रभु की भी इच्छा है और हमारे गुरु वर्गों का भी ये इच्छा है। कहते यद्यपि ये इच्छा को श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिनको द्वारा जितना ये प्रचार कराने का था उन्होंने वो शुभ करवाया है, लेकिन अगर देखो तो हमारा महाराज जी के अंदर में ये कैसे, कितने गुरु जी के अंदर में कितने उन्होंने महाप्रभु की वाणी को कैसे सार्थक किया। उन्होंने संपूर्ण विश्व को, मुझे लगता है अभी तक किसी प्रचारक ने इतना भ्रमण नहीं किया संपूर्ण पृथ्वी को। हमारे महाराज ने संपूर्ण पृथ्वी को, उन्होंने 14-15 बार उन्होंने पृथ्वी को संपूर्ण पर्यटन किया है। ऐसे कोई शहर नहीं, ऐसे कोई ग्राम नहीं। कहते गौरव पूर्णिमा को बाद में पृथ्वी का एक तरफ और नवद्वीप परिक्रमा के बाद में पृथ्वी का एक तरफ, संपूर्ण रूप में संपूर्ण पृथ्वी को स्वामी महाराज गए प्रचार करने के लिए। लेकिन पिछले महाराज हमारे गुरुजी जितने प्रचार पृथ्वी में किए, जितने पृथ्वी को उन्होंने परिभ्रमण किया है, उतना कहीं किसी प्रचारक ने अभी तक उसने कहीं प्रचार नहीं किया। इसलिए महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, बैठ जाओगे, इसलिए महाराज जी संपूर्ण महाप्रभु को जो इच्छा को उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। कहते हैं महाराज के अंदर में एक विशेष वैशिष्टता है, इसलिए आप लोग नवद्वीप परिक्रमा और सिर्फ ब्रजमंडल परिक्रमा में देखो, ऐसे कोई राष्ट्र नहीं, ऐसे विश्व का ऐसे कोई स्थान नहीं जहाँ के लोग नवद्वीप परिक्रमा और श्री गौड़मंडल श्री ब्रजमंडल परिक्रमा में, ऐसे कोई देश का लोग नहीं जो महाराज को साथ में परिक्रमा नहीं किए हो। संपूर्ण दुनिया के लोग उसमें आकर के परिक्रमा करते थे। ये एक महाराज में वैशिष्ट महाप्रभु की इच्छा को पूरी की। कहते इनकी जो दूसरी जो वैशिष्टता है महाराज जी की, कहते श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में आने का उसमें दो कारण बताया। कहते एक कारण है, कहते रसिक शेखर कृष्ण परम गुरु, इसलिए महाप्रभु रसी की शेखर होने का नाते कहते उन्होंने स्वयं रसा स्वादन करने के लिए उन्होंने जगत में आए। रसी की शेखर होने का नाते जो परम करुण है महाप्रभु, परम करुण होने का नाते कहते राग भक्ति मार्ग लोके करित प्रचारण, उन्होंने राग भक्ति मार्ग को जगत में प्रचार करने के लिए आए। इसलिए जो राग भक्ति को जो प्रचार करने के लिए आए, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं श्री चैत राग भक्त निर्जास करते आस्वादन, उसका सार का आस्वादन करने के लिए आए। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कहते श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप गदा मध्यम ददाति सुपदांतिकम। कहते महाप्रभु का अभिष्ट को किसने पूर्ण किया है, कहते श्री रूप गोस्वामी ने महाप्रभु का अभिष्ट जान करके महाप्रभु जैसे प्रयाग में उनका हृदय में सारे तत्व को स्फूर्ति कराया। हाँ, और जगन्नाथपुरी में अलग अलग समय पर महाप्रभु जो हृदय में स्फूर्ति कराया उसको श्री रूप गोस्वामी ने अलग अलग ग्रंथ रूप में उन्होंने जगत में प्रसारित किया। उसी रूपानुग मार्ग को कहते आकर के श्री जीव गोस्वामी उनको शिष्य रूप में उसी राग मार्ग को प्रचार प्रसार, उसको बाद में पुनः कहते श्री नरोत्तम श्यामानंद और श्रीनिवास, बाद में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आकर के द्वितीय रूप गोस्वामी रूप में उन्होंने सारे ग्रंथों को उन्होंने रचना की। उसी चीज को फिर श्री भक्ति मनोहर ठाकुर ने आकर के भक्ति मनोहर ठाकुर का जो कीर्तन है, कहते जे जन से जन भजे आमी तो राधिका पक्ष पाती सदा कभू नहीं हेरी देखता के। श्री भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं कमल मंजरी रूप में भले ही जो जिसको जिसको भजन करे, लेकिन मैं तो हर समय श्री राधा रानी के पक्ष में रहने वाली हूँ। और उसी चीज को भक्ति मनोहर ठाकुर ने जो सप्तम गोस्वामी रूप में भक्ति धारा को जो रखा किया उसको श्री प्रभुपाद ने आकर के पुनः वह चीज को उन्होंने प्रकाशित किया। इसलिए प्रभुपाद बारंबार कहते हैं हम तो रूप गोस्वामी की चरण की एक धूल बनना ही हमारे जीवन का ये लक्ष्य है। यह चीज को श्री प्रभुपाद ने फिर उसी धारा को हमारे भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज ने एक विशिष्ट वैशिष्ट को रखा।
इसलिए उन्होंने ये गौड़ीय वेदांत इसका समिति का नाम रख दिया, गौड़ीय वेदांत समिति उन्होंने नाम रखा है। इसलिए साधारण लोग सोचते हैं अरे ये क्या सारे सन्यासी का नाम भक्ति वेदांत, तो अपना समिति का नाम भी रख दिया गौड़ीय वेदांत समिति, ये क्या वेदांत वेदांत, तो इस वेदांत के ऊपर में श्री शंकराचार्य की भाषा ही तो मायावादियों का ग्रंथ है। लेकिन हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज एक विशेष रूपानुगत्व को उन्होंने स्थापन किया है, ये वेदांत का नाम रख करके बोले नहीं, वेदांत का मतलब ये मायावादियों का ग्रंथ नहीं, ये वेदांत है, वेद का अंत है। कहते ये जो वेद का अंत क्या है, बोले अर्थयम ब्रह्म सूत्राणाम, इसलिए ब्रह्म सूत्र का जो अर्थ है भागवत है, सर्व वेदांत इतिहास नाम सार सार समुद्रित, कहते समस्त वेदांत का जो सार सार कहते ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए जो निगम कल्प तरुर गलितम फलम, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है कहते क्या है, कहते भागवत है, कहते भागवत में सार क्या है, बोले रास पंचाध्यायी है, जो कि भागवत का माना गया, ये भागवत का ये पंच प्राण है, और उसी में रासलीला में जो पंच प्राण है उसमें सार किया, बोले गोपियों की प्रेम है। इसलिए गौड़ीय वेदांत मतलब है ये जितने गौड़ीय वेदांत समिति वाले ये सबके सब गोपी भाव में भजन करने वाले। इसलिए श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उन्होंने जो ठाकुर जी को हर मंदिर में सब सब सफेद सफेद राधा कृष्ण महाप्रभु सब सफेद है, क्योंकि हर गौड़ीय मठ में हर जगह में कृष्ण को देखो काले रंग के, लेकिन गौड़ीय वेदांत समिति में सफेद है। बोले क्यों, बोले यहाँ पर रूपानुगत को स्थापन किया, क्या है, बोले श्याम सुंदर भी जिसके लिए श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज विनोद विहारी तत्वाष्टक में लिखा राधा चिंता निवेश न जस कांतीर बिलोरपिता श्री कृष्ण चरण बंद राधा लिंगित विग्रह। इसलिए कैसे श्री श्याम सुंदर इमिल तला में जिसको बरहा पुराण जिसको स्वप्न विलास अमृत से उन्होंने उद्धृत करते हुए पूरा तत्वाष्टक को लिखा, जहां पर श्री श्याम सुंदर राधा रानी की चिंता करते 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 एकदम सफेद गौर वर्ण धारण करते हैं। इसलिए ये तीन विग्रह नहीं, एक उन्नत उज्ज्वल रस के प्रतिभाविता विग्रह, ये तीनों हैं। देखो उसी चीज को श्रील हमारे महाराज जी के अंदर में आप लोग गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन में जो आए थे उच्चा गांव से जो गोसाई आए थे वो बोल रहे थे श्रील महाराज जी के ऊपर में, कहते महाराज कहते ब्रजवास किसको पता नहीं देते हैं, भले ही तुम जितने बड़े बड़े विद्वान क्यों नहीं हो, ये ब्रजवासी लोग किसी को ही पता देने वाले नहीं, लेकिन हमारे महाराज जी को जो जुगाचार्य को उपाधि दिया गया है, जुगाचार्य को उपाधि बड़े बड़े विद्वान क्या ही किसको देते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव को जो जुगाचार्य का जो उपाधि किस लोगों ने दिया है वो एक विशेष बात कह रहे थे, कहते उनको ब्रजवासियों ने दिया है, नंदगांव और बरसाना के भक्तों लोग मिलकर, बोले कौन सा स्थान दिया गया, बोले उच्चा गांव जहां पर श्री ललिता सखी, हम लोग ललिता की अनुगत्य में हम लोग ललिता सखी को स्थान पर बोले स्थान किया, बोले नारायण भट्ट है जो कि ब्रज की उन्होंने बहुत कुछ समृद्ध किया है, और श्री बलदेव ब्रह्म का स्थान है वहां पर सारे ब्रजवासियों ने मिल करके हमारे गुरुपाद पद्म को ये जुगाचार्य का उपाधि इन लोगों ने प्रदान किया है। इसलिए श्री महाराज जी को अंदर में ये जो रूपानुगत महाप्रभु जगत में जो राग भक्ति निर्जास कर ये चीज को जो देने के लिए महाप्रभु आए थे, हमारे महाराज जी को अंदर में वो चीज देखने को मिलता है। इसलिए महाराज जी के जितने सारे भाव, जैसे महाराज जी हमारे रूप सनातन गौड़ीय मठ में सेवा कुंज को जो उन्होंने स्थापन किया है, अपना हृदय रूप में उन्होंने सेवा कुंज को स्थापन किया, सेवा कुंज क्या है, सेवा कुंज वह है जहाँ पर श्री श्याम सुंदर स्वाधीन भत्रिका अनुकूल नायक, जहाँ पर श्री राधारानी स्वाधीन भत्रिका है, जहाँ पर श्री श्याम सुंदर संपूर्ण रूप में राधा रानी की संपूर्ण अधीनता बन करके, जहाँ पर स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम दही पद पल्लव उदारम, अपना हृदय को महाराज ने रूप सनातन गौड़ीय मठ में श्री श्याम रानी को दे करके उन्होंने वो उस पिक्चर को उन्होंने महाराज ने बनाया, और उसी में भी गुप्त रूप में अपना स्वरूप को श्याम रानी भी बता रही थी, गुप्त रूप में महाराज जी उसमें भी अपना एक स्वरूप को भी वहां पर गुप्त रूप में महाराज ने दिया है, जो चीज बड़ी गुप्त चीज है, किसी किसी भक्तों के पास में महाराज जी वो अपना इच्छा को उन्होंने प्रकाशित किया है।
इसलिए महाराज जी को देखो, जो रूप सनातन मठ में जो रूप गोस्वामी का जो तिथि है, उन्होंने 3 दिन तक हमारे भट्टी जी आते उसमें, जिसमें महाराज जी विशेष जो रूपानुगत्व हम लोग है, और जिस रूपानुगत्व के लिए यद्यपि दूसरे दूसरे संप्रदाय में राधा कृष्ण की भजन करते हैं, हम भी राधा कृष्ण को भजन करते हैं, बल्लभ गुली करते हैं, दूसरे बिंबार के संप्रदाय में हम भी राधा कृष्ण को भक्ति करते हैं, लेकिन हमारी राधा कृष्ण को भक्ति और दूसरे संप्रदाय के राधा कृष्ण का भक्ति में क्या फर्क है? क्या तो फर्क ये है, हम लोग श्री रूपानुग है, रूप गोस्वामी की अनुगत्य में, बोले क्यों, उसमें विशेषत्व है, जहाँ पर प्राण प्रेष्ट सखी कुलादपि कील असंच की भूमिका, जहाँ पर श्री प्रिया प्रियतम जब निकुंज में विलास करते हैं, जहाँ पर प्राण पृष्ठ, जहाँ ललिता विशाखा सखी भी जहाँ पर प्रवेश करने के लिए संकोच बोध करते हैं, लेकिन जो वहाँ पर जो राधा जी के अनुगत्य में जो मंजरी भाव के बोले निस्संच रूप में जिसका अंदर में प्रवेश करके राधा कृष्ण का सारे लीला को समाधान करते हैं, इसलिए महाराज जी रूप गोस्वामी का तिथि को उन्होंने 3 दिन तक यहाँ पर बनाया करते थे। और श्रीलो महाराज जी सारे भावना, अभी आप लोग उनको भावना को श्रवण कर रहे थे, गीत गोविंद में उन्होंने जो मुख बंध में जो अपना भाव को महाराज जी वहां पर अभिव्यक्त किया, इसलिए महाराज किसने प्रश्न किया था, बोले महाराज जी ये चीज को हमारे गुरुवर्ग ने बहुत छुपा करके रखने के लिए कोशिश किया, ये चीज को बहुत कोशिश किया छुपा कर रखने के लिए, लेकिन आप तो ये चीज को संपूर्ण उद्घाटन करके डायरेक्ट सबको बोल ही देते हैं, सबको बोल देते ये चीज को डायरेक्ट सभी को सामने क्यों बोलते हो, और आपने ये रस ग्रंथ को महाराज जी जितने ग्रंथ लिखे रस ग्रंथ को बोले आप स्पष्ट रूप में क्यों वर्णन किया, किसने प्रश्न किया, तो महाराज जी वहां पर उत्तर देते हैं, कहते देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कहा देखो ये जो वस्तु अत्यंत अत्यंत गहरी वस्तु है, ये सभी का समझने का बाहर का वस्तु, ये चीज को सभी समझ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज को हम प्रकाश नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज लुप्त हो जाएगा, जगत में लोग को पता ही नहीं चलेगा, अगर कोई लाख लाख व्यक्ति में अगर कोई एक बिरल व्यक्ति को अगर उसमें लोभ हो जाए रागमय भक्ति ब्रज भक्ति में, यही सार्थकता है, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहां कहते हैं मैं ये चाहता हूँ जो अरस की व्यक्ति जिसको जिसको अधिकार नहीं, अगर ये ग्रंथ को नहीं पढ़े उसका उसमें कल्याण है, उसमें मंगल है, इसलिए महाराज जी ने कहा अगर इसको हम प्रकाश नहीं करके धीरे धीरे ये चीज लुप्त तो हो जाएगा। प्रभुपाद भी यही बात को कहते हैं, प्रभुपाद ने कहा मैं जिस चीज को देने के लिए आया था, प्रभुपाद को नहीं, नयनमणि मंजरी प्रभुपाद और राधा रानी का नयनमणि मंजरी वो आए थे क्यों, महाप्रभु जो चीज दिया उसी चीज को, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं मैं जिस चीज को देने के लिए आया था केवल मैं जंगल काटते काटते मेरा समय चला गया, मैं ये जो चीज को दूं किसको दूं, ये चीज को ग्रहण कौन करे, केवल मैंने जंगल काटते 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 पूरा समय हमारा चला गया मैं चीज को, लेकिन प्रभुपाद ने अपना वक्तृता अपना भावना अपना ग्रंथ रूप में कहीं कहीं ये अपना भाव को उन्होंने अभिव्यक्त किया है प्रभुपाद ने, इसलिए हमारे महाराज जी को अंदर में महाप्रभु जो 2 कारणों को लेकर के आए थे, ये 1 कारण महाराज को अंदर में स्पष्ट रूप में देखने को संपूर्ण रूप में मिलता है, ये महाराज के विशेष वैशिष्ट है। महाराज के अंदर में और एक वैशिष्टता है, कहते 3 मृदंग बताया, कहते 1 मृदंग ये जो मृदंग को हम बजाते हैं, दूसरा मृदंग बताया बृहत मृदंग, और जो तीसरा मृदंग बताया जीवंत मृदंग, कहते 3 मृदंग बताया गया है, कहते महाराज जी को अंदर में ये 3 मृदंग संपूर्ण रूप में स्पष्ट रूप में दिखता है। महाराज जी को जो गला जो सुंदर गाते थे, महाराज जी कुछ कैसेट है नमामि स्वरम, जो मथुरा के जो पुराण लोग यहाँ पर तो बैठे हुए हो, महाराज का गला कितना सुलील कंठ है, क्या सुंदर महाराज का कंठ, महाराज जब कीर्तन करते थे हरि हरे नम कृष्ण, और महाराज जो कीर्तन किया इतने जैसे पंचम स्वर में महाराज जी गाते थे, कितना सुलील महाराज का कंठ है, कितने मधुर कोयल जैसे महाराज का कंठ है, इसलिए महाराज जी सुंदर उन्होंने ये कीर्तन करते थे, ये 1 मृदंग है जो कीर्तन मृदंग बजाते हैं जो कीर्तन करे, कहते जो दूसरा मृदंग बताया कहते बृहत मृदंग है, कहते जो बृहत मृदंग बताया ग्रंथों को, कहते ये मृदंग का जैसे शब्द थोड़ी दूर तक मृदंग का शब्द जाता है, लेकिन ये ग्रंथ, इसलिए श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज
और श्री श्रौती महाराज मेरे गुरुदेव के लिए बताए, मेरे गुरुदेव ने बहुत ग्रंथ प्रकाशित किया, उन लोगों ने बताए कहते गोपियों को जो बताया जयति ते भी कब नहीं कहते तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी विरीणितम कल्मषापम। वहां पर बताया भूरी दा जना, बोले जगत में सबसे बड़े दाता कौन है, कहते जो भगवत कथा को जो दान करते हैं, कहते सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा दान जगत में कुछ है ही नहीं, ये सबसे बड़ा दान जो कृष्ण कथा दान करते हैं। कहते जो कृष्ण कथा को जो दान करते हैं, लेकिन जैसे हम हरि कथा बोले कुछ समय के लिए आपने हरि कथा सुने हाँ, लेकिन उसको बाद में फिर क्या होगा, वो तो सर्वश्रेष्ठ दान है, आप भगवत भक्ति में आए लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, फिर खत्म हो गया। लेकिन भट्टा जी उस समय भी उसी दिन भी बोल रहे थे इसी बात को, लेकिन जो स्थाई रूप में ये कथा को स्थाई रूप में जो ग्रंथ रूप में जो प्रकाश करके जाते हैं, ये ग्रंथ जहां पर एक ग्रंथ पहुंच जाए, जिस कोने में जिस देश में जिस प्रदेश में ग्रंथ अगर किसको पास में पहुंच गया, वो ग्रंथों को अगर किसने पढ़ लिया उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। ग्रंथ साक्षात रूप में भक्तों का संग भगवत संग प्रदान करने वाले हैं। इसलिए कहते जो बृहद मृदंग रूप में श्रीलो महाराज जी की इतना बड़ा अवदान है जो हम वर्णना नहीं कर सकते, लगता है हमारे महाराज जी जितने ग्रंथ प्रकाशित किया है, अब केवल हिंदी नहीं, बंगला नहीं, केवल इंग्लिश नहीं, फ्रांस जर्मनी पता नहीं सारा पृथ्वी की भाषा में महाराज जो ग्रंथ प्रकाशित किया है, जो अद्भुत अवदान है। महाराज 3 बजे दिजो कृष्ण यहाँ पर बैठा हुआ, पता है पुरंदर प्रभु भी बोल रहे थे 8-8, 10-10, 15-15 घंटा महाराज जी बैठकर पूर्व रीडिंग करते थे, सारे भक्तों को बिजी रखते थे। बोले जल्दी जल्दी महाराज चाह रहे थे जितने गोस्वामी ग्रंथ जितने मूल ग्रंथों को मैं चाहता हूँ प्रकाश करके ये ग्रंथों को जाऊं। महाराज इतने परिश्रम किया ग्रंथों के ऊपर में जो सोचने का बाहर है, संपूर्ण पृथ्वी के लोगों को बिजी बनाकर रखे थे महाराज जी। और अभी तक भी महाराज और 10 साल अगर जगत में रहते संपूर्ण सारे ग्रंथों को अभी वेदांत सूत्र को 3 खंड प्रकाशित 4 खंड में 3 खंड प्रकाशित कर किया बेणुगी। इसलिए ग्रंथ में और ग्रंथ में महाराज जी जो ग्रंथ किया है, जैसे शिक्षाष्टक मन शिक्षा उपदेशामृत बिंदु किरण कणा राय रामान संवाद रथ यात्रा और महाराज ऐसे ऐसे ग्रंथ किया, ज्यादा करके महाराज रस ग्रंथ को प्रकाशित किया है। रस ग्रंथ को कहते विशेष करके उनका जो गुरु जी का जो ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया है अद्भुत है, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जो जीवन उन्होंने प्रकाशित किया, उसमें जो विनोद बिहारी अष्टक ऊपर में अगर महाराज कैसे रसिकता थे, अगर समझना चाहते हैं आप विनोद बिहारी अष्टक का ऊपर में महाराज का जो व्याख्या है उसको आप देखिए, क्या उसको ऊपर महाराज जी संपूर्ण रस चैतन्य संपूर्ण गोस्वामी ग्रंथ की जो निचोड़ है उनकी गुरुदेव का हृदय की भावना को वहां पर गुरुदेव ने प्रकाशित किया अद्भुत है। वेणु गीत को देखो क्या अद्भुत वेणु गीत में महाराज ने लिखे हैं। राय रामानंद संवाद को देखो, मैं अभी गया था जहाँ राय रामानंद मिलन हुआ था वहां पर गया था, महाप्रभु वहां पर गए थे 5 साल पूर्ति में, वहां पर महाराज ने जो ये राय रामानंद संवाद के ऊपर लिखा था सारे गौड़ीय वैष्णव आए थे, महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वहां क्यों गए, इसका कारण क्या था वहां जाने का, महाराज जो संचार जो रामानंद भक्त में गए, महाराज इसका जो व्याख्या वहां पर दिया, मैं जब वहां पर बोला सब देख देख आश्चर्य हो रहे थे, बोले सब बात आपको कहां से मिला, हमने तो कभी बात सुनी नहीं, इतने सुंदर सुंदर महाराज जी ने ये बृहद मृदंग ऊपर महाराज का जो अवदान है जितने हम गा सके समझो उतना कमी है महाराज के लिए। और जो तीसरा मृदंग है महाराज की कहते जीवंत मृदंग है, बोले जीवंत मृदंग संन्यास को बताया, जो प्रचार करते हैं उनको कहते हैं ये जीवंत मृदंग है, इसलिए एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत है, ग्रंथ भागवत से जितने कल्याण है कहते भक्त भागवत से ज्यादा कल्याण है, इसलिए महाराज जी एक जीवंत मृदंग बनकर के उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी में पर्यटन करते हुए महाप्रभु का वाणी को जो उन्होंने प्रचार और प्रसार किया है ये महाप्रभु का वस्तु है महाराज के लिए, ये महाराज का अंदर विशेष वैशिष्ट्य। उनके अंदर में और एक वैशिष्ट है, इनके अंदर में श्री जीव गोस्वामी का लक्षण देखने को मिलता है, इसलिए कभी कभी यहाँ के पंडित लोग जो जन्माष्टमी तीर्थमार जानते हैं, जन्माष्टमी को बाद में महाराज जी यहाँ पर सारे विद्वतों को एकत्रित करते थे, उसमें जो विषय महाराज रखते थे कोई साधारण विषय नहीं,
बहुत हाई फाई विषय रखते थे, इसमें आप तो उसमें थे कैवल्य ऐक्य प्रयोजन, कैवल्य ऐक्य प्रयोजन वहां क्यों भागवत ने बताया अंतिम में, यहाँ पर इसका मतलब स्थापन करे ब्रह्म ही हमारा प्रयोजन है, उसी का वास्तव अर्थ क्या है। जन्मादस्य जतः कभी निगम कल्प जरूर, कभी हाँ धर्म प्रजीत कहीं दबात्र, कहीं कहीं भागवत का गंभीर गंभीर विषय को, इसलिए जो वासुदेव चतुर्वेदी थे वो कहा करते थे लगता है जीव गोस्वामी का अवगत प्रकटित हो गए, क्योंकि हमारे संप्रदाय में जीव गोस्वामी को माना गया, ये हमारे संप्रदाय का तत्वाचार्य है, सिद्धांत का आचार्य इनको माना गया है। वो कहते थे लगता है आपके अंदर में जीव गोस्वामी साक्षात प्रकट हो गए, आप इतना बढ़िया बढ़िया विषय को कैसे रखते हो, कहाँ से चुन चुन कर रखते हो। हाँ, इसलिए महाराज जी कहते श्री जीव गोस्वामी, कहते जीव गोस्वामी के पास में तीन व्यक्ति आए, एक नरोत्तम, एक श्यामानंद और एक श्रीनिवास। कहते ये कोई जीव गोस्वामी का शिष्य कोई नहीं थे, लेकिन इसलिए जीव गोस्वामी इनको सारे सिद्धांत तत्व दर्शन पढ़ाया, और ये तीनों ने ही संपूर्ण जगत में, एक बंगाल में, एक उड़ीसा में और एक आसाम में, ये तीनों को तीन दिशा में उन्होंने भेजा, भेज करके महाप्रभु की वाणी को उन्होंने प्रचार प्रसार कराया, लेकिन उनके कोई शिष्य नहीं थे, दूसरे के शिष्य है। इसलिए महाराज जी प्रभुपाद उन्होंने शिष्य परंपरा को नहीं रखकर उन्होंने भागवत परंपरा को रखा, क्योंकि शिष्य परंपरा में कभी कभी गड़बड़ रहता है, जैसे इनका शिष्य ये है, कभी कभी होता है गुरु जी का जो भजन आदर्श कभी शिष्यों के अंदर में नहीं देखने को मिलता है, इसलिए प्रभुपाद ने देखा जो शिष्य परंपरा कभी इसमें गड़बड़ी है, इसलिए प्रभुपाद ने भागवत परंपरा को रखा है, क्योंकि जो भागवत परंपरा जैसे को शिक्षा परंपरा कहते हैं, जो उसी शिक्षा में जो शिक्षित है। हाँ, इसलिए महाराज जी के अंदर में भी ये भागवत परंपरा जाजल्य रूप में दिखता है। इसलिए महाराज जी उन्होंने जिन लोगों को शिक्षा दिया है, अभी जो लोग संपूर्ण पृथ्वी में प्रचार कर रहे हैं, कहते जैसे जीव गोस्वामी के पास में तीनों आए, उसी तरह महाराज जी को पास में भी इनकी इतने भावना जो सोच नहीं सकते, इनके अंदर में अपना पराया कुछ नहीं था, इनके अंदर में ये इसका शिष्य वो इसका शिष्य जितना लड़ाई झगड़ा ना वो शिष्य शिष्य उसका शिष्य लग रहा होता है, लेकिन महाराज के अंदर में बिंदु मात्र भी, हम भी दूसरे के शिष्य कहीं है, महाराज के शिक्षा गुरुदेव हमारे श्याम सुंदर, हमारे श्री मधुसूदन महाराज, तीर्थ महाराज, ये जितने हैं, लेकिन इन लोगों ने महाराज के अंदर में जो विशेष वस्तु थी, अयम निज परवर्ती गणना लघु चेतसा, जिसको अंदर में हृदय में छोटा है, ये मेरा तेरा तेरा करता रहता है, लेकिन उदार चरित्र मनातु वसुधैव कुटुंबकम्, जिनका हृदय उदार है, संपूर्ण पृथ्वी को अपना कुटुंब मानते हैं, कहते महाराज के अंदर में जो महाभागवत का जो लक्षण है, सर्वभूतेषु जब पश्येत भगवत, ये महाराज के अंदर में जाजुल्य प्रमाण, हम लोगों ने महाराज का निकट में रहकर चीज को देखा, महाराज के अंदर में ये चीज एकदम नहीं था, ये शिष्य उसका उसका एकदम नहीं था, इसलिए कोई भी महाराज के चरण में आ जाए, केवल महाराज को पास में रहे, गुरुदेव अपना संतान जैसे उसको लालन पालन गुरुदेव महाराज ने किया है। इसलिए देखो महाराज के पास में सारे गौड़ीय संप्रदाय के शिष्य, भक्ति शिल किसका शिल, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का, कितने शिष्य महाराज के पास में, मैं अपना गुरुदेव का, भक्ति जीवन धनार्दन गोस्वामी महाराज का, श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज का, श्री गौर गोविंद महाराज का, श्री भक्ति वेदांत भावन गोस्वामी महाराज का, ये सबके सबका शिष्य महाराज के पास में, कारण क्या है, कारण है महाराज के अंदर में ये भावना नहीं थी, ये उसका शिष्य उसका शिष्य उनका था, हम सबके सब महाप्रभु के एक परिवार के हैं, एक परिवार के, हम कोई दूसरे परिवार के नहीं। इसलिए महाराज को पास में किसी गौड़ीय मठ से कोई भी महाराज को पास में आ जाए, महाराज जी हमारा ये विपत्ति है, महाराज कभी नहीं सोचा ये दूसरे महाराज का, उसी समय महाराज जी जी जान लगा करके, नहीं हम एक ही महाप्रभु का संप्रदाय के, उन्होंने अपना जीवन को दे करके महाराज जी ने दूसरे दूसरे मठ की सेवा किया है, विनोदवाणी गौड़ीय मठ कहीं के दूसरे मठ में कुछ गड़बड़ी हुआ, महाराज को पास में आए तो अपना मठ जैसे मठ को लोक को भेज दिया, ये पुरंदर सब को भेज जाओ, क्या हमारा हो रहा है वहां पर देखो, हमारा संप्रदाय का है, इतने महानता। इसलिए जज्ञेश्वर प्रभु गोविंद महाराज को कहते थे, कहते हमारे गुरु भाई मुझे जो मदद नहीं करते हैं, जब हम महाराज जी को पास में जाते हैं लगता है जैसे अपना गुरुदेव के पास में हम आ गए, अपना व्यक्ति को पास में आ गए, इतने महाराज जी हृदय से उन्होंने, और जो संप्रदाय का जो रख्या है महाराज जी, जो प्रबंध पंचकम जो ग्रंथ उन्होंने लिखा महाराज जी, प्रबंध पंचकम ग्रंथ अद्भुत है, हमारे संप्रदाय को संप्रदाय रख्या में, बोलते थे लाल कपड़ा कहाँ से आ गया,
गोस्वामी लोगों का तो लाल कपड़ा था ही नहीं, ये गौड़ी मठ वाले प्रभुपाद कहां से लाल कपड़ा ले आए, और गोस्वामी लोग तो बाबा जी थे, ये सन्यासी कहां से आ गया, और इनका कोई गुरु परंपरा ठीक नहीं, ऐसे कुछ 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 लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। महाराज जी प्रबंध पंचकम, जहां पर पांच प्रबंध लिखा, क्या उन्होंने उसको अंदर में दिया है, सारे दूसरे दूसरे संप्रदाय का टहलका मच गया उस समय। वो ग्रंथों को जो पढ़ा, पढ़ करके आप लोगों को कितना पता, वृंदावन में जितने सारे दूसरे दूसरे संप्रदाय के लोग मीटिंग किया, ये नारायण महाराज हम प्रति ऐसे कैसे बोल दिया, महाराज डायरेक्ट नाम को लेकर ग्रंथ को प्रकाशित कर दिया, उन्होंने ऐसे बोल रहे, वो ऐसे बोल रहे, वो ऐसे बोल रहे, बहुत बड़ा मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला करके वहां पर बोले, आपका नाम लेकर के बोले, वृंदावन के प्रसिद्ध व्यक्तियों का बोले, आपका नाम लेकर इतना बोला, आप कुछ बोलते नहीं क्यों, उन्होंने बोले उन्होंने जो महाराज ने जो प्रकाशित किया था ग्रंथ का सब प्रमाण दे करके, हमारे महाप्रभु स्वयं कैसे गौर की वस्त्र, रामानुज मध्य विष्णु स्वामी कैसे गौर की वस्त्र, महाप्रभु रहते समय उनका नौ सन्यासी थे, सबके सब गौर के वस्त्र धारण किए हुए थे, सन्यास थे उसी समय। इसलिए महाराज ने कहा वेद पुराण उपनिषद से, उन्होंने ग्रंथों को कोटेशन को लेकर के महाराज ने कितना सुंदर रूप में ग्रंथों को प्रकाशित किया है। इसलिए ये ग्रंथ प्रकाशन में भी महाराज जी की बहुत बहुत एक अवदान रहा। और कहते महाराज के अंदर में तीसरी चीज विशेष है, जो परिक्रमा है गौर मंडल ब्रज मंडल की, जो परिक्रमा ये महाराज के अंदर विशेष वस्तु है। ये परिक्रमा सर्वप्रथम कहा मायापुर की, जो परिक्रमा महाप्रभु ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया अपना भक्त लोगों को, जैसे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित और कुछ भक्तों को लेकर के परिक्रमा महाप्रभु ने सर्वप्रथम शुरुआत किया था। वो परिक्रमा धीरे 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 बाद में फिर श्री नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर परिक्रमा करते हैं, बाद में श्री जीव गोस्वामी फिर दूसरों के नरोत्तम श्यामानंद इनको लेकर परिक्रमा किया। ये परिक्रमा बढ़ते बढ़ते फिर श्रील प्रभुपाद ने बाद में धीरे धीरे लुप्त हो गया, श्रील प्रभुपाद ने आकर के पुनः नवद्वीप धाम का परिक्रमा उन्होंने प्रारंभ किया विपुल रूप में। लेकिन वो परिक्रमा आता है धीरे धीरे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने बाद में फिर परिक्रमा आप लोग नवद्वीप परिक्रमा में जो जाते हैं उनको पता। लेकिन बाद में हमारे महाराज जो परिक्रमा किया है, महाराज का हमारे परिक्रमा में जितने लोग होते हैं इस समय आप लोगों को पता है, लगता है पृथ्वी में जितने सारे गौड़ीय मठ मिलकर के जितना लोग होंगे नहीं, हमारे महाराज का परिक्रमा में आप लोग जानते हो, जो महाप्रभु ने जो परिक्रमा प्रारंभ किया था जैसे श्री ब्रजमंडल परिक्रमा उसी तरह जो नवद्वीप परिक्रमा आप लोग सब जाते हैं, आप लोगों को पता है इतने लोग हजार हजार, जैसे नदी का बाढ़ आ गया लोग देखते रहते हैं इतना लोग आ गए कहां से। महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था संपूर्ण पृथ्वी का लोग एक समय सबके सब निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोलते गलते सबके सब देखने पर लगता है सचमुच से कहां से ही उमड़ आए। इसलिए समझो महाराज जी ने जो गौरव मंडल परिक्रमा उन्होंने किया है पृथ्वी में एक एक रेकर्ड है। और नाट मंदिर कितना बड़ा नवद्वीप में हमारा आप लोगों को पता है, वृंदाव जहाँ गोवर्धन का नाट मंदिर चार गुण, वहां भी बैठने के लिए खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलता है। महाराज जी जब वहां पर बैठते हैं, जब वहां के सब लोग आकर बैठते इतने लोग जो सोच नहीं सकते हैं, ये महाराज ने ये परिक्रमा की जो इतने बड़े विशाल था उन्होंने परिक्रमा किए। इसलिए महाराज जी को अंदर में इतने गुण मैं तो तीन चार दिन से महाराज की कथा में वृंदावन में चार दिन से महाराज जी कथा दो टाइम हम चार दिन तक महाराज जी कथा को वैशिष्टता को महाराज की महिमा को मैं चार दिन से वहां पर कथा सुना रहा था। इसलिए इतने महाराज जी कथा महाराज को पास में रहते हुए और ये मठ में रहते हुए जब मैंने पहले आया महाराज जब बृहद भागवत अमृत कथा यहाँ करते थे क्या हम बताए उसी समय ये मठ का क्या परिवेश था कि माधव महाराज जी जो कि सब थे जैसे अगस्त ऋषि का जैसे आश्रम का परिवेश जैसे अगस्त ऋषि का आश्रम में जैसे रामचंद्र आकर के देखा कैसे वहां पर सांप और नेउल कैसे चुम रहे हैं देखा कैसे शेर और हिरण कैसे उसको जंगे शेर को जंगे पर हिरण सिर रख करके सो रहा है वहां पर जो खाद्य खाद्य का जो संबंध है हाँ एक वह सबके सब हिंस्र भाव भूल जाते थे। महाराज यहाँ रहते समय जब यहाँ भजन करते थे हरि कथा करते थे दिन में तीन तीन बार हरि कथा कोई गोस्वामी का तिथि आ जाए महाराज चार चार बार बैठ कर हरिना यहाँ पर हरि कथा करते थे। महाराज का जो भजन है 100,000 हरिनाम किए बगैर महाराज जल ग्रहण नहीं करते थे पूरा 100,000 हरिनाम करके
प्रेमानंद प्रभु उस समय रहते थे, महाराज कहते थे पहले 1 लाख हरि नाम करो, फिर महाराज जी कुछ पैसा देते, बोले बाजार में जाओ सब्जी लाओ। पहले हम भजन करने के लिए जीवन में आए और कुछ करने के लिए नहीं आए। इसलिए महाराज जी दिन में 2 लाख हरि नाम करना, ग्रंथ प्रकाश करना, सारे मठ को देखना और उनका अंदर में जो कंट्रोल करने का जो शक्ति एक अद्भुत था महाराज के अंदर में। अब लोगों को पता है जब महाराज सिंहासन में बैठते थे कहीं एक वक्ता मिलना कठिन है, लेकिन महाराज का कृपा से महाराज इतने अच्छे अच्छे वक्ता बनाए, इतने महाराज को पास में किसको सुजोग नहीं बोलता हरि कथा बोलने के लिए। सब सोचते कब गुरुजी हम थोड़ा इंगित करे, हम थोड़ा कथा सुनाए, बोले महाराज इतने हरि कथा गुरुजी ने सिखाए, हर व्यक्ति को उन्होंने जो कैपेसिटी सिखाने का जो ढंग है अद्भुत है, जो बोल नहीं सकता खड़े कर देंगे। बोले एक श्लोक तो कम से कम बोलो, वंदना करो, कितने उत्साह गुरुदेव देते थे हरि कथा सीखने के लिए, जानने के लिए। इसलिए समझो कितने गुरुजी की हम महिमा को हम कितने गाए। इसलिए जो अपुरंत महाराज की महिमा है जिसको हम गा नहीं सकते हैं, हम लोग समझो बड़े भाग्यवान हम लोग है। ऐसे श्री महाराज जी को श्री चरण में हम लोग आए, हम सोचते जन्म जन्मांतर ऐसे हमारे गुरु जी हमें प्राप्त हो, जिनके अनुगत में हम रह करके हम अगर भजन कर पाएंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगी। महाराज का अंदर विशेष वस्तु था, जैसे एक शुद्ध गुरु का अंदर भी ये गुण है, उनको पास में जो आते थे उनको ऐसे लगता था महाराज शायद मुझे जितना प्रेम करते हैं शायद और किसको गुरु जी इतना प्रेम नहीं करते। महाराज का अंदर ये गुण था, जो आ जाए सबको ऐसे लगता है, जितने यहाँ पर जितने बैठे हुए सबको ऐसे लगता है गुरुजी मुझे जितना प्यार करते हैं शायद और दुनिया में किसी को इतना प्यार नहीं करते। सबको पूछ लो, सबके अंदर भी भावना है, कहते एक शुद्ध गुरु का अंदर में ये सब वास्तव होता है, ये सबका अंदर भी भावना है, गुरुदेव ज्यादा ही मेरे को प्यार करते हैं। इसलिए महाराज जी तो अपूर्व महिमा, हम यहीं पर गुरु जी को चरण में पुष्पांजलि प्रदान करते हैं। गुरुदेव हम लोगों पर भी कृपा कर भजन करते हैं, कृपा सुन रहे।